हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना दोपहर के लिए। टाइम हो चुका है 11:15। दिव्यांका की क्लासेस हैं तकरीबन 2 बजे तक, 2 बजे उसकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपनों के साथ। तो अभी खाना बनाने की तैयारी है, खाना मैं बना रही हूँ और ये दाल को मैं ढक रही हूँ। ये ढक दिया, इसकी सीटियां लग जाएंगी क्योंकि हस्बैंड के लिए खाना बनाकर जाना है। बाहर वो खाते नहीं है। अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा बाहर से खाना नहीं खाते हैं, बहुत बहुत ही कम खाते हैं। वो भी हम अगर साथ हों तो खाते हैं, वैसे नहीं खाते, उनको पसंद नहीं आता किसी और के हाथ का खाना। मैंने यहाँ किचन का काम कंप्लीट कर दिया है। एक सब्जी बना दी है अभी और चपातियां बनानी है, और चावल नहीं बनाऊंगी मैं, चपातियां बना के सब्जी बना के, और दही है उसका रायता बनाने के लिए, बूंदी खत्म हो गई है बूंदी भी लानी है, और दही रख जाऊंगी, सब्जी हो जाएगी और चपातियां हो जाएंगी। ये हो गए उनके लंच की तैयारी। और अब मैं घर का सफाई भी कर रही हूँ। आज एक्चुअली मैं एक सीरीज देखने बैठ गई थी, कोरियन सीरीज डब्ड, और मतलब वो हिंदी में होती है तो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे क्योंकि कोरियन इतनी ज्यादा समझ नहीं आती, और नीचे वैसे इंग्लिश में भी सबटाइटल वगैरह आते हैं उसके, बट हिंदी डब्ड ज्यादा बेटर रहती है, इजीली समझ आ जाती है और बहुत ही अच्छी थी। उसका नाम था 1% ऑफ समथिंग। उसके कितने पार्ट मैंने खत्म कर दिए कल से लेके अब तक, उसका 12वां पार्ट मैंने आज खत्म किया है। अभी मतलब अभी 2 पार्ट देखे हैं मैंने सुबह से लेकर अब तक काम करते करते, और 4 पार्ट रह गए हैं क्योंकि 16 एपिसोड की सीरीज है, तो 4 एपिसोड हम बाद में देखेंगे। अभी दिव्यांका के बर्थडे की तैयारी करनी है और उसके लिए हमें जाना है मॉल। दिव्यांका को आज घुमा देंगे हम, वो थोड़ा सा घूम लेगी मॉल और उसको अच्छा सा कुछ खिला देंगे, उसको खाना अच्छा लगता है बाहर का, तो अच्छी सी शायद कॉफ़ी भी पीऊँगी मैं। बहुत टाइम हो गया कॉफ़ी नहीं पी है, आज थोड़ा डाइटिंग को साइड में रख के कॉफ़ी पीऊँगी। वैसे तो कॉफ़ी घर पर भी है लेकिन किसी और के हाथ की मिल जाए तो क्या कहने। तो अभी लंच हम करेंगे बाहर क्योंकि हम खाना नहीं करेंगे, खाएंगे घर पे तो बाहर ही खाएंगे। चलिए चलते हैं आपको लेकर साथ में। वीडियो अगर लंबा हो भी गया तो 2 एपिसोड्स में डाल दूंगी। आज हमें मॉल पे जाना है, दिव्यांका को थोड़ा चिल करवाने के लिए लेके जा रही हूँ मैं। वैसे तो वो चाहती थी कि आप ब्लॉग मत बनाओ, हम सिर्फ मी टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ भी सामान खरीदेंगे नहीं, पर औरतें कहाँ सोचती हैं। अब घर के लिए ड्राई क्लीन के 3-4 कपड़े हैं, हस्बैंड के, हाँ उन्हीं के कपड़े ड्राई क्लीन के लिए जाते हैं, तो वो ले जा रही हूँ मॉल पर देने हैं वाइट वे में। तो वो देने के बाद हम घूमेंगे और लंच करेंगे, कॉफी पियेंगे थोड़ा घूमने के बाद, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। और कल दिव्यांका का बर्थडे है, व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। और हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सिर्फ 20% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज चुपके से वीडियो देख के मत जाइए, एक कमेंट छोड़िए, कोई गलती है तो हमारी गलती बताइए लेकिन वीडियो मत छोड़िएगा। ये वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगी, अभी इसी वक्त, और इसके आगे का वीडियो मैं आपको देती रहूंगी, मतलब शायद शाम को डाल दूं, शाम को जरूर डाल दूंगी आज का वीडियो। मैं चाहती हूं कि नया नया वीडियो मैं डालती रहूं, तो जिस दिन का वीडियो होता है मेरी कोशिश होती है उसी दिन डाल दूं। ये व्लॉग अभी चला जाएगा, अभी आप मेरी ये बकवास बातें सुन लीजिएगा प्लीज, और हो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में शाम को। बाय।